हेलो बच्चों, आज हमारी एट्थ की मैथ की क्लास है जिसके अंदर हमारा चैप्टर फर्स्ट चल रहा था रैशनल नंबर। हमने क्या करे थे, अलग अलग टाइप्स के नंबर देखे थे पिछली क्लासों में आपने, जो हमारे इंटीजर है, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, रियल नंबर है, इन सबको हमने क्या कराया, डिस्कस कराया। लेकिन जैसे ही हम नेचुरल नंबर्स और इंटीजर्स को आपस में डिवाइड कर देते हैं, जैसे 3/4 कर दिया, मैंने 3 को डिवाइड कर दिया 4 से, उस नंबर को हम क्या बोलेंगे, उन्हीं नंबर को बोलते थे हम रैशनल नंबर। रैशनल नंबर हमारे क्या होते थे, वो नंबर जिनको हम ए बाय बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, ए बाय बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो हमारे रैशनल नंबर होती हैं। और हमने ये भी देखा था जितने भी हमारे इंटीजर्स होते हैं वो सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। इसमें से हमने रैशनल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ एडिशन, सब्स्ट्रक्शन और मल्टीप्लीकेशन के रूल हैं वो डिस्कस कर लिए थे। देखो, हमने रैशनल नंबर कहाँ तक डिस्कस कर लिया था, हमने रैशनल नंबर के अंदर जो एक्सरसाइज फर्स्ट 1.1 है वो मैंने आपको घर से कंप्लीट करने के लिए दी थी। ये सारे के सारे आपको क्या करने थे, ऐड द फॉलोइंग रैशनल नंबर। मैंने बताया थे आपको जो नीचे का हमारा डिनोमिनेटर होता है वो सेम हो तो हम ऊपर वाले दोनों वैल्यूज को आपस में सिंपली ऐड कर देंगे, और अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो हम एलसीएम निकाल के और फिर उनको बाद में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इस तरीके से ये हमारा रैशनल नंबर की एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है। उसके बाद में कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था नेगेटिव ऑफ ए रैशनल नंबर, जिसके अंदर एडिटिव इनवर्स मैंने बताया था आपको क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स और नेगेटिव ऑफ ए रैशनल नंबर एक ही बात है हमारी, ठीक है, इन दोनों के एक ही नाम है। अभी देखो, हमने इसकी प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस कर लिया था और प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर हमारा चल रहा था जिसके अंदर हमने क्लोजर प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लिया था। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हम दो रैशनल नंबर का एडिशन करते हैं तो जो थर्ड हमारे पास नंबर आता है वो भी हमारे पास क्या आता है, रैशनल नंबर आता है। जैसे 5/4 में मैंने 7/3 को ऐड किया तो हमने एडिशन करा था इसका एलसीएम निकाल के और बाद में ऐड करके देखा तो 43/12 आया, तो ये भी हमारा एक क्या है, रैशनल नंबर ही है। अब हम इसकी आगे की प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। देखो, क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टीज क्या कहती है, जैसे ही इंटीजर पे लगाते हैं तो जो ए प्लस बी हमारा इंटीजर होता है वो बी प्लस ए के इक्वल होता है। मतलब क्या है इसका, जैसे मैं 2 में 3 ऐड करता हूं तो वो मेरा क्या आएगा, 5, और मैं क्या कर देता हूं, 3 में 2 ऐड कर देता हूं तो देखो 3 में 2 ऐड करेंगे तब भी 5, 2 में 3 ऐड करेंगे तब भी 5। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी। यही हम क्या करेंगे, रैशनल नंबर पे लगाएंगे। अगर जैसे मेरे पास a by b एंड c by d दो रैशनल नंबर है तो मैं a by b के अंदर प्लस कर देता हूं c by d तो वो मेरा इक्वल आएगा किसके, c by d में मैं प्लस कर देता हूं a by b। देखो, एक एग्जांपल से समझते हैं, हमारे को एग्जांपल क्या दे रखा है, एग्जांपल क्या दे रखा है, देखो माइनस का 2/7 में प्लस करना है हमें 3/5, ठीक है, और सेकंड क्या दे रखा है, 3/5 में हमें प्लस करना है क्या, -2/7। तो सबसे पहले तो मैंने आपको क्या बताया था, 7 और 5 नीचे हमारा जो डिनोमिनेटर है वो सेम होना चाहिए, यहाँ पे सेम नहीं है तो हम इनका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 7 और 5 का जो एलसीएम है वो क्या आएगा, 35 आएगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ, -2/7 है इसको 35 बना देंगे तो 5 से मल्टीप्लाई प्लस में 3/5 है इसको भी 7 बनाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 35 नीचे, क्योंकि 7/35 और -10 और प्लस में हमारा यहाँ पे 21/35। तो ये जो अब जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये नंबर हमारा आएगा 11/35। ये देखो 11/35 क्या करा है मैंने, -2/7 + 3/5 हमने एलसीएम सेम बनाया इनके, 35 7 को मल्टीप्लाई 5 के साथ और 5 को मल्टीप्लाई 7 के साथ, तो ये हमारा 11/35 आया। जैसे ही हमने 3/5 में -2/7 ऐड करते हैं तो देखो यहां पर भी एलसीएम तो सेम ही बनाएंगे, 35 35, 7 की मल्टीप्लाई 3 के साथ 21 प्लस में 5 की मल्टीप्लाई 2 के साथ -10, इन दोनों को जैसे ही ऐड करेंगे तो ये भी क्या आया है, 11/35। तो देखो आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ा हमारा,
नंबर सेम आ रहा है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, इसी को बोलते हैं क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर हमारे पास थ्री इंटीजर हूं, जैसे मैं ले लेता हूं 2, 3, 4 ले लिया, ठीक है, तो ये तीन इंटीजर है, तो अभी मैं क्या करता हूं, पहले 3 और 4 को ऐड करता हूं, ठीक है, और फिर उनमें प्लस करता हूं 2, तो देखो 3 और 4 कितना हो जाएगा 7, और अभी इसमें प्लस कर दिया 2 तो ये कितना आ गया 9 आ गया हमारे पास। अभी मैं क्या करता हूं, पहले 2 और 3 को ऐड करता हूं और फिर प्लस उसमें करता हूं 4, तो देखो 2 प्लस 3 क्या आ जाएगा 5 और प्लस 4 और 5 प्लस 4 क्या आ जाएगा 9, तो देखो इससे भी 9 और इससे भी 9, तो दोनों से रिजल्ट क्या आया हमारा 9 9, इसी को बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो अगर तीन रैशनल नंबर है हमारे पास a by b, c by d, e by f, तो a by b में हम ऐड कर देंगे किसको, c by d को, और प्लस कर देंगे e by f को। बाद में हम क्या करेंगे, a by b को ऐड करेंगे किसमें, पहले प्लस करेंगे c by d को और e by f को, और फिर उसमें a by b को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज है, ठीक है। जैसे देखो तीन नंबरों पे हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए रैशनल नंबर, ये और ये। देखो हमने सबसे पहले माइनस का 3/4, प्लस का 5/6 है और उसमें प्लस करा है 7/8। जब भी ब्रैकेट लगी हुई मिल जाए ना, आपको हमेशा क्या काम करना है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके बाद में आगे वाली चीजों को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर ब्रैकेट यहाँ पे है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे पहले, तो हम इन दोनों के एलसीएम को लेंगे, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 24, इन दोनों का 24 आएगा, इसको 6 से मल्टीप्लाई करूं और इसको किससे 4 से, तो ऊपर भी 4 से करना पड़ेगा और इधर भी 6 से, एक को तो नहीं कर सकते ना, दो रैशनल मतलब ऊपर और नीचे दोनों जगह, तो दोनों जगह करनी पड़ेगी हमें, ठीक है। देन 6 की मल्टीप्लाई माइनस के 3 के साथ 18 और 5 की मल्टीप्लाई 4 के साथ 20, तो ये क्या बन गया 2/24, और इसमें माइनस के 7/8 को हम ऐड कर देंगे, तो इसको देखो 3 से मल्टीप्लाई करने पे 8 3 = 24 होता है ना, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये माइनस का 19/24 आ जाता है हमारे पास। इसी तरीके से नीचे वाले को हम ऐड करेंगे, तो पहले इन दोनों को ऐड करेंगे तो 24 आएगा, फिर हम इस वैल्यू को इसमें ऐड करेंगे तो यहां पर भी हमारा माइनस का 19/24 आएगा। तो ये दोनों से ही हमारा नंबर क्या आ रहा है, रिजल्ट जो आ रहा है एडिशन, वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। हम इन दोनों को चाहे पहले ऐड करके इसमें ऐड करें, चाहे इन दोनों को पहले ऐड करके इसमें ऐड करें, ठीक है, इसी को बोलेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब आपको क्या करना है, जो नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी है वो क्या है, वी नो दैट इफ वी ऐड 0 टू एनी इंटीजर इट्स वैल्यू डज नॉट चेंज। हमें पता है जब हम इंटीजर के अंदर 0 ऐड करते हैं तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, जैसे x में 0 ऐड कर दिया या 0 में x ऐड कर दिया तो वो x ही रहेगा। इसी तरीके से a by b में हम 0 ऐड करते हैं या 0 में a by b ऐड करते हैं तो a by b रहेगा, मतलब रैशनल नंबर भी हमारा चेंज नहीं हुआ। जैसे देखो माइनस का 5/16 प्लस 0, तो माइनस का 5/16 ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इसके नीचे मैंने क्या करा एलसीएम सेम ले लिया 16, तो ये पूरी वैल्यू है। देखो ये दोनों का एलसीएम आ गया माइनस का 5 प्लस 0, ये जो वैल्यू है ये जो ऐड होने के बाद में आपके पास आएगी क्या माइनस का 5 और नीचे क्या 16, तो वही वैल्यू रहेगी ना। इसी तरीके से हमारा 0 जब हम रैशनल नंबर में ऐड कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसी को बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ 0, इसी को क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ 0, ठीक है। अब आपकी जो आज का होमवर्क रहेगा, ये हमारी प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो जाती है, एक्सरसाइज 1.2 आपको क्या करनी है कंप्लीट करनी है, एक्सरसाइज 1.2 आपको क्या करनी है कंप्लीट करनी है। इसमें से जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे वो अपन नेक्स्ट क्लास में करके देखेंगे, मैं आपको करके दिखाऊंगा कुछ क्वेश्चंस को, ठीक है। और इससे जो पहले की एक्सरसाइज है वो भी आपको कंप्लीट करनी है, यही आज का क्या रहेगा आपका होमवर्क रहेगा। और आपको जो ऊपर मैंने प्रॉपर्टीज करवाई है सारी की सारी, वो आपको क्या करनी है राइट भी करनी है एंड लर्न भी करना है उनको सभी को, ठीक है, और उन्हीं का यूज करके और इन क्वेश्चनों को करना है हमें, ठीक है। तो यही आज का हमारा क्या रहेगा होमवर्क रहेगा। आपकी क्लास आज इतनी, थैंक यू।